हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का NCERT जोन में। फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी कर रहे हैं क्लास 12th का। इसके अलावा तीन कोर्स और रेगुलर चल रहे हैं, डेली वीडियो लेक्चर आ रहा है उस पर, और आप टाइम भी फिक्स्ड है तो आप देख सकते हो। एक बार चैनल पे विजिट करो एक बारी। तो अभी क्या क्या चल रहा है? सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस सारे क्लास 12th के चल रहे हैं, और सब में बहुत आगे तक कोर्स चल जा चुका है, आप देख सकते हो। और क्योंकि प्री बोर्ड आने वाला है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो किसी भी, तो आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। एक बार एक वीडियो देखो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम देखने वाले ह्यूमन ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी का तीन चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। अभी फोर्थ चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत चीज़ें समझने में, सबसे पहले समझेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि पिलर्स क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे मेजर करते हैं, और उसके बाद अप्रोच देखेंगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का है। क्या क्या अप्रोच, पहले कैसे अप्रोच किया जाता था, अब कैसे किया जाता है, वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें चार टॉपिक मात्र करना है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, वो करेंगे। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है उसके बारे में देखेंगे, फोर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या क्या अप्रोच यूज किया जाता था। ऐसा नहीं कि अभी जो अप्रोच यूज किया जाता तो वही पहले से भी था, नहीं भाई। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई तो हमारे अप्रोच भी अच्छे होते गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर कैसे किया जाता है, और करता आखिर कौन है, क्या क्या पैरामीटर यूज किए जाते हैं, और करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का क्या पोजिशन है टोटल कंट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है भाई। क्वांटिटेटिव टर्म क्या होता है, क्वालिटेटिव टर्म क्या होता है, क्वांटिटी ध्यान देना। क्वांटिटी का नंबर, जब क्वांटिटी का मतलब होता है न्यूमेरल्स में। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं आपको 5 kg दाल देता हूँ, मैं आपको 5 kg चीनी देता हूँ, तो ये हुआ क्वांटिटी में। 5 किलो चीनी या 2 kg 5 लीटर ऑयल, ये सब चीज़ क्वांटिटी में हुआ। और एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव होता है जी क्वालिटी। आप बहुत ईमानदार है, आपने अच्छी एजुकेशन ली है, आप अच्छे कल्चर में पढ़े वढ़े हैं, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, सब हुआ क्वालिटी। तो ग्रोथ का मतलब सिर्फ होता है न्यूमेरिकल टर्म्स। वैल्यू न्यूट्रल, ग्रोथ सिर्फ वैल्यू न्यूट्रल है, ध्यान देना, वैल्यू न्यूट्रल है। कोई देश अगर ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब उस देश के पास पैसे आ रहे हैं, उस देश की कंडीशन ठीक हो रही है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सबके पास इक्वल पैसा बढ़ रहा है, यानी सब इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमी में, इसका कतई मतलब नहीं है। तो किसी देश का अगर ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं है वहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं होगी, समझ रहे हो ना। तो ग्रोथ सिर्फ पॉजिटिव, ग्रोथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। वैल्यू न्यूट्रल होता है, ग्रोथ कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ग्रोथ तो ग्रोथ है बस, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव टर्म, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, किसी में पॉजिटिव चेंज हो रही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, नॉर्मली पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, लेकिन सिर्फ जन्म देना थोड़ी मतलब है। अगर ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, चलो ये तो होगा ही होगा, लेकिन अगर उस पॉपुलेशन को आप एजुकेशन दो, उसको हाउसिंग दो, उसको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करो, तब होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है लिविंग स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब कैसे जीते हैं वो, कैसे जीता है वो इंसान, उसका रहने का तरीका, सब अपलिफ्टमेंट होगा तभी डेवलपमेंट होगा। इसलिए इंडिया को अभी भी डेवलप्ड के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, जबकि इंडिया से ऐसे ऐसे देश डेवलप्ड कैटेगरी में हैं, ऐसे ऐसे देश डेवलप्ड कैटेगरी में हैं जिसका GDP इंडिया से बहुत कम है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि GDP ग्रोथ को दर्शाता है, मतलब टोटल कितना इनकम है देश का इसको दर्शाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिखाता है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है कहाँ पे बेसिक सर्विसेज सब सारे मिलती है,
अभी भी इंडिया में डेवलप कहते कब, जब इंडिया में कोई गरीबी, कोई भूखे नहीं सोता, सबके पास सर पे छत होती, या कहीं पे गंदगी नहीं होती, या बहुत साफ़ सफाई होती, इन सारे चीज़ों, बेसिक सर्विसेज, स्कूलिंग, इंश्योरेंस, सोशल सर्विसेज, ये सब होती तब ना हम डेवलपमेंट बोलते, इसलिए इंडिया भी डेवलपिंग कर रही है। तो समझ गए डिफरेंस। तो अब क्वेश्चन होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, अब जरूरत ही क्यों पड़ी। दो बंदे थे, एक का नाम आता है अमर्त्य सेन और एक आता है महबूब उल हक। ये थे इंडिया के, ये थे पाकिस्तान के, बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही कॉम्युनिस्ट थे। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है, ये चाहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो सिंपल डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हो, तो ह्यूमन के डेवलपमेंट कैसे होगा, ह्यूमन को डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलप तभी करेगा जब पीपल के चॉइस इनलार्ज होंगे, कि भाई ऐसा नहीं कि आपको कान पकड़ के कोई ये काम करवा रहा है कि भाई ये करो, नहीं भाई, आपके पास चॉइस बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तभी हम समझेंगे कि हाँ चलो डेवलप हो आप, ठीक है ना। आपकी मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए भाई, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, कोई पर्पस मतलब आपके लाइफ में कोई एम होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, और ये सब तभी होगा जब आप हेल्दी होगे, आप में कोई स्किल होगा, टैलेंट होगा, तब क्या करोगे आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट करोगे और अपना गोल अचीव करोगे फ्रीली, किसी के दबाव में नहीं कि ये कर लो भाई, ये कर लो, ये कर लो, समझ रहे हो। तो अब ये इतना अच्छा चीज़ था कि यूनाइटेड नेशन ने इस कंसेप्ट को यूज करना स्टार्ट किया 1990 से, और इसको क्या नाम दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, समझ रहे हो ना, कि डेवलपमेंट ग्रोथ नॉर्मल ही होना, देश की इनकम जीडीपी बढ़ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक लोगों का लाइफ, इनके मतलब कैसे लाइफ जीते हैं वो नहीं अच्छा होता है, उनका अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिलती है, तब तक हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते ना। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक फैमिली है जो मैनुअल स्केवेंजर वाला काम करे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया के जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है या 5 ट्रिलियन है, 10, 50, 100 ट्रिलियन डॉलर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उसको काम, वो उसको अपने लाइफ में चॉइस है ही नहीं, वो वही काम कर रहा है, तो उसके लिए ग्रोथ का कोई मतलब नहीं, इसलिए डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे लिहाज से, ये लोग भी वही मानते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि अब क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा कब, जब उसको तीन चीज़ मिलेगी, एक्सेस टू रिसोर्स, मतलब भाई जो पाना चाहते हो रिसोर्स मिले, उसके बाद उसकी हेल्थ अच्छी रहे, एजुकेशन मिले, भाई उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, एजुकेशन मिली के क्या करेगा, देश में तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता ना, तो इसलिए तीनों चीज़ का अच्छा होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी के एजुकेशन है, हेल्थ है, कोई रिसोर्स ही नहीं है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अब क्वेश्चन उठता है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है, वेरी ऑफ्टन पीपल डोंट हैव द कैपेबिलिटी एंड अ फ्रीडम टू मेक इवन द बेसिक चॉइस। भाई ऐसा क्यों होता है कि इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी फ्रीडम नहीं होती कि बेसिक चॉइस भी कर सके, चलो मैं क्लास 10 तक पढ़ाई कर लेता हूँ, चलो मैं ये जॉब कर लूँ, छोटा सा जॉब कर लूँ, नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले हो सकता है इतनी गरीबी हो कि वो नॉलेज को ही एक्वायर ना कर पाए, या एबल ही नहीं हो, प्रॉब्लम हो, हेल्दी ना हो, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, मटीरियल पॉवर्टी हो, पैसे नहीं हो, उसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मैनुअल स्केवेंजर को, उसको बहुत साल पहले, जैसे मान लो अगर 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो इस समय उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, स्कूल में एंट्री नहीं होती थी, तो कैसे डेवलप होगा, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी एंट्री होगी, नहीं ना होगी। इन एफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, बहुत इंस्टीट्यूशन इतने इन एफिशियंट है, जैसे मान लो स्कूल की बातें करते हैं, तो स्कूल में सब पे फोकस नहीं किया जाता, मतलब सब पे इक्वली फोकस किया जाएगा तभी ना सब लोग आएंगे, सारे बच्चे आएंगे। देखो मिड डे मील वाला स्कीम थोड़ा इसीलिए, सिर्फ देखो जो मिड डे मील है इसमें हेल्थ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों साथ होगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास रिसोर्स नहीं, तो मिड डे मील थोड़ा इसलिए भी सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ वो खाना प्रोवाइड करता है, सब इक्वल, सब साथ में बैठ के खाते हैं, यानी वो इक्वलिटी की परिभाषा बताता है कि सब एक जगह पे, यहाँ पे कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं भाई, यहाँ पे सब बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक है
फोर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो क्या क्या चीज़ है जिसमें हम मान लेते हैं ये होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी ही होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है वो हमको मिल रही है, दोनों को सिंपल मिल रही है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मान लो एक यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे हमारा, हम दोनों का रेस है, हमारा, ये आप हो ये मैं हूँ, हम दोनों का रेस है। लेकिन हम दोनों को रेस है, अब हम दोनों को यहाँ पहुँचना है, ठीक है। लेकिन मेरे फैमिली ने मुझ पे, जैसे मान लो ए हो आप हो, ए यू एम ई, ठीक है ना, ठीक है, ये आप हो ए मैं हूँ, तो हम दोनों को बता दिया कि आप दोनों को यहाँ से करना है, यहाँ तक तो पहुँचना है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है यार सेम अपॉर्चुनिटी दे रही है। लेकिन भाई आपकी फैमिली ने आप पे बहुत खर्चा किया, आपके आपके ट्रेनिंग पे, आपके इस पे, मतलब आपके बहुत ज़्यादा आपके कोच उच पे सब पे खर्चा हुआ है। तो भाई आपके जितने, आपका डाइट, तो आपके जितने के प्रोबेबिलिटी तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू मी, क्योंकि मेरे पे कुछ खर्चा ही नहीं हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी भी उतना काम नहीं कर पाती है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा उसका सिचुएशन ख़राब रहता है। तो अपॉर्चुनिटी एक लेवल तक ठीक है कि हम मान लेते हैं कि हाँ, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है कि भाई आपको यहाँ नहीं दौड़ना है, क्योंकि आपका पोजीशन, जैसे मेरा पोजीशन ख़राब है तो आप थोड़ा आगे चल जाओ, आप चाहे यहीं तक पहुँच जाओ, हम जीत दे देंगे आपको। यही तो होता है एजुकेशन और जॉब में, यही होता है ना भाई। आपके कंडीशन सब ठीक थी तो आपको यहाँ पहुँचना है, लेकिन आपकी कंडीशन नहीं ठीक है, आप यहाँ तक ही पहुँच जाओ, हम आपको जीत घोषित कर देंगे, यही होता है ना। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी। इक्विटी का मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी राय, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, किस भी। अब यहाँ पे भी और प्रॉब्लम आ जाता है। स्कूल ड्रॉप आउट बताओ कौन ज़्यादा करते हैं? क्या अपर कास्ट के बच्चे करते हैं, मेल मेंबर करते हैं? नहीं भाई, वुमेन करती है। जैसे ही 9th 8th तक चलो, अपने गांव में स्कूल है, 9th में जैसे ही दूर हुआ स्कूल ड्रॉप आउट, शादी, बहुत ज़्यादा केस। आप मान लो अपने फैमिली से नहीं कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली अच्छी हो, लेकिन बहुत 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 सारा एग्जाम्पल आप किसी भी रिपोर्ट का डेटा पढ़ ले, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। STSC, फैमिली इनकम कम है, इनको कमाना ही पड़ेगा तभी फैमिली सस्टेन कर पाएगी, तो इनका तो वैसे भी चॉइस कम हो गया ना इनके पास, सही है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कंटिन्यूइंग इन द अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, सारे रिसोर्स। भाई अभी आप क्या कर लोगे, अभी आप डेवलपमेंट के चक्कर में, आप पैसा कमाने के चक्कर में इन्वायरमेंट को इतना पॉल्यूट कर दोगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन मानेगा कि भैया हमारे लिए तो सब हवा ही साफ आपने नहीं छोड़ा, तो हम कैसे जी पाएंगे। तो अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है हम रिसोर्स को ऐसे यूज करें कि हम नेक्स्ट जनरेशन को भी देश वही दे सके जो हमने अपने पिछले जनरेशन से लिया है। इसलिए इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब दिमाग में रख के, फ्यूचर में रख के जरूरी है कि हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करें और रिसोर्स का बनाए भी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है। जैसे मान लो अभी आप किसी वूमेन को एजुकेटेड नहीं करोगे, मान लो खुश हो गए, खुश इस सालों शादी करवा देते हैं, वुमेन दूसरे घर की शादी करवा दिए, भाई जब इस वुमेन के बच्चे होंगे, चाइल्ड, तो बच्चे को घर में एजुकेशन नहीं मिलेगा भाई, पहले से ही कंपटीशन के रेस से पहले ही वो बाहर हो गया। खुद सोचो ना, जिस बच्चे को स्टार्टिंग में एजुकेशन नहीं मिला, कैसे इस वुमेन को पता ही नहीं है, ध्यान देना ये सब रिपोर्ट बहुत सारे, इस वुमेन को पता ही नहीं है कि इसके लिए डाइट में क्या अच्छा होगा, इसके लिए क्या न्यूट्रिशियस होगा, इसके बच्चे में क्या सिखाए, स्टार्टिंग में क्या सिखाए। तो ये बच्चे तो रेस से पहले ही बाहर है, चाहे आप किसी भी कास्ट का हो, इसमें कोई कास्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो एजुकेशन वुमेन, नेक्स्ट जनरेशन का चाइल्ड ही का वो रेस से बाहर। इसलिए वुमेन एजुकेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, किसी किसी भी सूरत है देखो, नहीं तो आप नेक्स्ट जनरेशन को, अगर अगर आपके कोई भी इंसान वुमेन को एजुकेटेड नहीं कर रहा है, इसका साफ साफ मतलब है वो जिस नेक्स्ट जनरेशन को खराब करने का पहले ही कदम उठा चुका है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है
कि मान लो अभी आप कुछ कर रहे हो, जैसे अभी आप कुछ कर रहे हो, आपकी आपकी कोई फैक्ट्री है, या अभी आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आप मतलब बहुत स्लो काम करते हो, तो आप क्या चाहोगे कि मैं ज़िंदगी भर इसी रेट में काम करता रहूँ? भाई कुछ तो स्किल और कर लो, कुछ और इम्प्रूव कर लो धीरे 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 धीरे, ताकि अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करो, नहीं तो रेस में तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे ना। तो कैसे डेवलप हो? एफर्ट टू इंक्रीज नॉलेज बेस, बिकॉज पीपल आर रियल वेल्थ। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि रियल वेल्थ पे, तो इसलिए हमेशा उसी पे, जैसे मान लो पहले बैंक में सारा काम हो जाता था, कॉपी वगैरह पे होता था, लेकिन अब सबका कंप्यूटर पे हो रहा है। क्यों, ऐसा कैसे किया? आपने लोगों की कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया, ताकि लोग और ज़्यादा कैपेबल बने, और ज़्यादा काम करे, और ज़्यादा काम करे, इससे उनका ही विकास हुआ, देश का ही विकास हुआ। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। सशक्ति का मतलब होता है पावर टू मेक चॉइस, पावर टू मेक चॉइस। आप उनको चॉइस करने का, चॉइस अपना चॉइस करने का वो तो दो, पावर तो दो। जैसे चॉइस करेंगे पावर की, आप बनना चाहते हो कुछ, मैं कान पकड़ के कुछ और आपसे बनवा रहा हूँ, ऐसे नहीं ना होता। आप करियर में कुछ और चूज करना चाहते हो, मैं आपको धक्केदार, आपको ज़बरदस्ती कुछ और बनवा रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर आपको चॉइस नहीं मिल रहा है, अगर आपको लाइफ में कैरियर चॉइस नहीं मिल रहा है, यानी सिंपल है, आपकी फ्रीडम के साथ खेला जा रहा है और आपकी कैपेबिलिटी को परखा नहीं जा रहा है, जो आपकी कैपेबिलिटी जिस फील्ड में है उसमें आपके जाने नहीं दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती किसी और में करवा दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को गुड, अगर कोई अच्छी सरकार है तो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी बना सकती है, ताकि पीपल कैपेबिलिटी पे फोकस करे और अपने कैरियर पे फोकस करे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप, बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये तो पहले से ही दबे कुचले हैं, डाउन ट्रोडन सेक्शन है। इसको आप अगर एम्पावर नहीं करोगे, इनके इनके लिए पॉलिसी नहीं बनाओगे, रिजर्वेशन इन्हीं के लिए तो पॉलिसी है, क्योंकि ये जॉब में थे ही नहीं, न जॉब में, न एजुकेशन में थे ही नहीं, इनको रिजर्वेशन दिया गया है, जिसके कारण इनका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, फिर ये पहले ये कर लेते हैं कि अब क्वेश्चन उठता है कि अप्रोच अप्रोच क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के। ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच है बहुत सारे, लेकिन सबसे पुराना अप्रोच है जो मतलब एकदम अच्छा अप्रोच नहीं है। सबसे पहले इनकम अप्रोच, क्योंकि इसमें कमी थी, लोगों को लगता था, ये सबसे ओल्डेस्ट जैसे लोगों को लगता था कि जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, फ्रीडम अच्छा होने लगा, ह्यूमन डेवलपमेंट है। भाई ऐसा नहीं होता। जब लोगों की इनकम अगर अच्छी होती तो कैसे, क्यों वुमेन को जल्दी शादी करवाते हैं? फिर वुमेन को क्यों एजुकेशन उस लेवल तक नहीं लेने दिया जाता जिस लेवल तक मेल लेते हैं? तो इनकम से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा होता तो जिस देश का जीडीपी सबसे ज़्यादा होता, वो ज़्यादा डेवलपमेंट होता, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप हमें नज़र ही नहीं आता। नेक्स्ट है वेलफेयर। वेलफेयर तो मुझे ये हुआ उस टाइप का बात कि आप दया दिखा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ऐसे फ़ायदा नहीं है। ये बात करते वेलफेयर अप्रोच वाला बात होता है कि गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करेंगी एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एमिनिटी पे, तो पीपल क्या है, पीपल को सिर्फ दया दिखा के आप दे दे रहे हो, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एमिनिटी पे दे रहे हो, मतलब लोगों का स्किल पे उतना एनहांस कर ही नहीं रहोगे। मतलब इस अप्रोच में सिंपल पीपल क्या है, पैसिव रेसिपियंट है, पैसिव रेसिपियंट, नहीं कि एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं। पैसिव रेसिपियंट का मतलब खड़े हैं, गवर्नमेंट आके दे रहा है, ले ले रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे डेवलपमेंट नहीं करने हैं, मुझे करने हैं कि मैं खुद इस डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ एक्टिवली, तब मेरा डेवलपमेंट होगा, तभी देश का डेवलपमेंट होगा, सही में। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच क्या है कि ये ILO ने प्रपोज किया है। ILO क्या होता है कि 6 बेसिक नीड होते हैं, ये बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये बोलते हैं कि 6 बेसिक नीड है लोगों को, अगर वो दिया जाए लोग डेवलप हो जाएंगे। क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। आपको लगता है कि ये अभी भी फॉलो फॉलो हो सकता है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। सोशल सिक्योरिटी कहाँ गई, इंश्योरेंस कहाँ गई, एजुकेशन, हायर एजुकेशन कहाँ गया, मतलब ये सब नहीं है। स्किल डेवलपमेंट ये सब कहाँ हुआ, सोशल सिक्योरिटी ये सब नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी अप्रोच। ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये बोलते थे कि किसी को मछली कोई मांग रहा है तो मछली दो नहीं, मछली उसे पकड़ना सिखा दो।
कैपेबिलिटी इंक्रीज करो, कैपेबिलिटी इंक्रीज करोगे तो उसको लगेगा कि यार हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मतलब कुछ भी बन सकता हूँ मैं। जैसे कैपेबिलिटी इंक्रीज करोगे तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अलग अलग फील्ड में जाने की। तो कैपेबिलिटी कैसे इंक्रीज करोगे, आप उसको हेल्थ दोगे, अच्छा एजुकेशन दोगे, एक्सेस ऑफ रिसोर्स। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही तीनों है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं तो यही तीनों है डायमेंशन, हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्स। ठीक है, तो अगर अगर हेल्थ मेजरिंग हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके तीन डायमेंशन है ध्यान रखना। डायमेंशन लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होना चाहिए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होना चाहिए। सेकेंड नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है डिसेंट एंड स्टैंडर्ड लाइफ होना चाहिए, मतलब कि सबसे पहले हेल्दी हमारा मतलब हेल्दी होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो। तो इसके लिए इंडिकेटर क्या क्या है, देखो तीन इंडिकेटर है, तीनों के 1.3 पॉइंट है, तीनों के 1.3 तो टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे कि 1 में से कोई देश कितना लाता है, 1 के आसपास कोई लाएगा तो यानी हाईली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आएगा, और 1 के मतलब कोई 0 के आसपास लाएगा तो एकदम लोएस्ट वाला होगा। तो इंडिकेटर क्या है, हेल्दी लाइफ में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के समय पता चलता है कि कितना दिन जिएगा ये, ठीक है ना, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ बोलते हैं। इसको 1/3 पॉइंट दिया है। नॉलेज में दो चीज़ है ध्यान देना, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब एवरेज कितना स्कूल जाता है, और एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब एक्सपेक्टेड था कि 12 साल जाएगा और एवरेज जा रहा है 6 साल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला के 1/3 है, यानी इसका होगा 1/6 और इसका होगा 1/6, तो दोनों 1/3 नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों एक ही साथ हैं, इन दोनों का मिला के 1/3 है। तो 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इसमें क्या होता है कि ग्लोबल ग्रॉस नेशनल इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है किस कितना पावर है उसके पास हम किसी चीज़ को परचेज करने का। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये है किस बेसिस पे जुड़ा होगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा होगा, तो समझ रहे हैं तीनों चीज़, इन तीनों को मिला लेंगे यानी रेंज क्या होगा, 1 से लेके 0 तक होगा तीनों, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 1, तो रेंज 1 से 0, 1 जितना पास होगा वो उतना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उतना अच्छा होगा। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालते हैं, UNDP, एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है यूनाइटेड नेशन, ये बताता है अटेनमेंट ऑफ यूनाइट ह्यूमन डेवलपमेंट, एक हाईएस्ट है 0 लोएस्ट। अब क्वेश्चन होता है इंडिया कहाँ पे भाई बताओ, देखो 2018 की बात करें, 2018 19 का भी आई थिंक नहीं आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का पोजिशन है 130वां 189 कंट्री में, मतलब हम बहुत नीचे हैं। तो हमारा रैंक कितना है, मतलब हमारा रैंक तो है 130/189, मतलब 130वां 189 कंट्री में। तो हमारे पॉइंट कितने हैं, पॉइंट एक में मतलब एक में हमारा पॉइंट है 60.638, मतलब अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो हमें आए हैं 63.8%, मतलब 64 के आसपास है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन होता है कि किस कंट्री को आप हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रखते हो जिसके 0.8 से मतलब 80% से ज़्यादा है, तो ऐसे कितने कंट्री है, 57 कंट्री है। मीडियम में हम मीडियम है, हम मीडियम में कौन आता है जिसका 50% से लेके 79 तक रहता है, 80 तक रहता है, उसमें 88 है जिसमें हम आते हैं, लोएस्ट जिसका 50% से भी कम है उसमें 32 कंट्री है। तो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट कौन सा है, देखियो आपके किताब में कुछ और लिखा हुआ है क्योंकि वो 2015 का डेटा है आई थिंक, मैं 18 का लिखा हूँ, कोई गलत नहीं, 18 का ही डेटा आप लिखना अगर आपको आता है तो, नहीं तो क्योंकि जो आंसर चेक करेंगे वो आपका जरूरी नहीं किताब खोल के देखें, ठीक है। तो सबसे टॉप पोजीशन पे आता है नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड, नीचे ये सब आते हैं नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान और चैड, ठीक है। तो इस हो गया हमारा फोर्थ चैप्टर ख़त्म, इसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ चैप्टर में है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, उसके बाद दो और चैप्टर हैं,
तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो जितने चैप्टर उतने दिन लगा लो। उसके बाद आप, उसके बाद एक और बुक है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो मतलब आप रख सकते हो 10 से 12 दिन बाद, मतलब 1 दिसंबर से इस सब का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर एक दिन में 2 से 3 चैप्टर का करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी करेंगे। तो एक चीज़ और बता दूँ, इसके अलावा 3 और वीडियो सीरीज चल रहे हैं। आज मैं सिर्फ 2 ही का डाल पाया हूँ, लेकिन कल से फिर वही रूटीन आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, 6 o'clock, 22nd, 23rd नवंबर से 7 o'clock हिस्ट्री है, नहीं, 7 o'clock सोशियोलॉजी, एक बार रुक देख लो, 6 o'clock हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्लास 12 थीम 3 चल रहा है, 7 o'clock सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में अभी हम जो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया कर रहे हैं, 8 o'clock, 8 o'clock है पॉलिटी, 9 o'clock है ज्योग्राफी, यही अगले दिन से चलेगा, ठीक है? हिस्ट्री सोशियोलॉजी पॉलिटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सोशियोलॉजी पॉलिटी ज्योग्राफी, ठीक है? थैंक यू सो मच।